दिल्ली के सटे गाजियाबाद में पुलिस ने दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों ही शातिर किस्म के चोर हैं, जो गाड़ियों की चोरी कर उन्हें काटकर उनके पार्ट्स को बेचने का धंधा चलाते थे। इन चोरों के कब्जे से भारी मात्रा में गाड़ियों के पार्ट्स भी बरामद किए गए हैं। दरअसल ये पूरा मामला साहिबाबाद थाना इलाके का है, जहां पुलिस ने दो चोरों को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी सेकंड ने जानकारी देते हुए बताया कि साहिबाबाद इलाके में वाहनों की चोरी जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस की टीम लगातार प्रयासरत थी। इसी के कारण पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दो ऐसे लोगों को हिरासत में लिया है, जो चोरी की गाड़ियों को काटकर उनके पार्ट्स बेचने का धंधा कर रहे थे। पूछताछ में दोनों चोरों ने बताया कि वे चोरी की गई गाड़ियों को 5 से 10 हजार में खरीद लिया करते थे और उनको काटकर उनके सामान को बेचने का धंधा करते थे। पूछताछ में इनके अन्य साथियों की भी जानकारी प्राप्त हुई है। पुलिस जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी साहिबाबाद के नेतृत्व में साहिबाबाद पुलिस टीम के द्वारा दो गाड़ियों को काटने वाले चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जो अपने गोदाम में गाड़ी काटते थे और उनसे भारी मात्रा में कटी हुई गाड़ियों का सामान बरामद हुआ है और दो या तीन साबुत गाड़ियां भी बरामद हुई हैं। कहां से चोरी किया करते थे, क्या प्रोफाइल है? ये चोरी करने वाले कुछ और लोग हैं, वो चोरी करके इनके पास गाड़ियां लाते थे, 4-5 हजार रुपए में गाड़ी खरीद करके उसको पार्ट पार्ट में करके बेचते थे। सर, क्षेत्र में देखा जा रहा है आजकल चोरियां बहुत बढ़ गई हैं, क्या इन दोनों के गिरफ्तार करने से क्या उन चोरियों पे क्या अंकुश लग सकेगा? हाँ बिल्कुल, जब ये पकड़ के जब जेल जाएंगे और इनसे पूछताछ करके हम लोगों ने चोरों का भी पता कर लिया है, उनको भी जब पकड़ेंगे जरूर चोरियों पर अंकुश लगेगा।